पीएम मोदी ने दिल्ली के एम्स और सफदरजंग अस्पताल में चार नई सुविधाओं का उद्घाटन किया, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। आसपास जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है उसको सुदृढ़ करने के साथ साथ ऐसी ही सुविधाएं टीयर टू और टीयर थ्री शहरों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए सरकार दो व्यापक स्तर पर काम कर रही है। एक तो जो हमारे मौजूदा अस्पताल है उनको और अधिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, और दूसरा देश के दूर दराज वाले इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाया जा रहा है। साथियों, आजादी के 70 वर्षों में जितने एम्स स्वीकृत हुए या बनाए गए उससे अधिक बीते 4 वर्षों में मंजूर किए गए। देश में 13 नए एम्स की घोषणा की गई है जिसमें से 8 पर काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा देशभर में 15 मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथियों, न्यू इंडिया के लिए एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है जहां उत्तम और पर्याप्त अस्पताल हो, ज्यादा बेड हो, बेहतर सुविधाएं हो और श्रेष्ठ डॉक्टर और उनकी टीम हो। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मेडिकल एजुकेशन में भी नए अवसरों का निर्माण किया जा रहा है।